हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनकू वो ऑफिस से जैसे ही घर वापस आते हैं, उसने तियांग को देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे घर पर नहीं आओगे। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? जाओ यहाँ से। तियांग कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं जैसे तुम कहोगी जाओ यहाँ से मैं चला जाऊँगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आखिर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करके रहूँगा। तुम चाहकर भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। जनकू कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे शादी करने के लिए कहोगे और मैं तुमसे शादी कर लूँगा? इतना आसान है क्या? कभी नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे जैसे माफिया किंग के साथ कभी शादी नहीं करूँगा। मैं यूनो से शादी करने वाला हूँ। जनकू की बात सुनकर तियांग अब उठकर खड़े हो जाते हैं और जनकू के करीब आ जाते हैं और उसे कहता है, क्या कहा तुमने योनो? मैं उसको जान से मार डालूंगा अगर तुमने उसके साथ शादी कर लिया तो। जनकू कहता है, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो, समझ गया ना? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें पुलिस के पास पकड़ा दूंगा। जनकू की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या माफिया किंग किम तियोंग को तुम पुलिस के पास भेजने वाले हो और पुलिस मुझे पकड़ेगा? इससे पहले कि वो लोग अपनी जान से प्यार करता है ना, तो यहाँ से भाग जाएगा। मुझे पकड़ना तो दूर की बात है और तुम इसके बारे में सोचना भी मत। तुम अपने बारे में सोचो। मैं कभी भी तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें फोर्स कर सकता हूँ। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ ताकि तुम खुद से ही शादी के लिए तैयार हो जाओ। देखो जनकू, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे खुशी होगी कि तुम खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो जाओ, ताकि हम दोनों शादी की सारी तैयारियां साथ में कर सकते हैं और जैसा तुम्हें पसंद है वैसे ही शादी करेंगे हम दोनों, ठीक है ना? जनकू कहता है, एक ख्वाब तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। ना ही तो मैं तुमसे शादी करूँगा और ना ही तुम्हारा सपना पूरा होगा। तुम्हारे जैसे माफिया किंग के साथ शादी तो दूर की बात है। मैं एक दिन के लिए डेट करना भी पसंद नहीं करूँगा। तियांग कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट करना भी पसंद नहीं करोगे? तो फिर ठीक है ना, कल ही हम दोनों साथ में डेट करने जाएंगे और कल हम दोनों कैंडलर डिनर पे जाएंगे, ठीक है? जनकू कहता है, क्या मैंने अभी क्या कहा तुमने सुना नहीं शायद। तियांग कहता है, और मुझे लगता है तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है। तो ठीक है, तुम खुद मुझे कॉल करके बोलोगे। तियांग, मैं तुम्हारे साथ डिनर डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ, देखना। जनकू तियांग से कहता है, डिनर डेट तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, वो रियल में कभी नहीं होगा। तियांग कहता है, ठीक है तो आज मैं चलता हूँ, कल रात को हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं। जनकू कहता है, पागल कहेगा, एक खुद भी पागल है और मुझे भी पागल करके छोड़ देगा। मैं बहुत ही थक गया था और इसको देखने के बाद तो मेरा दिमाग भी गर्म हो गया है, लगता है मुझे नहाना पड़ेगा। इसके बाद जनकू कपड़े को बदलते हुए वॉशरूम में चले जाते हैं शावर लेने के लिए और वो शावर से वापस बाहर निकालने के बाद वो अलमीरा से कपड़े निकालता है तैयार होने के लिए। वो सोने के लिए नाइट सूट ढूंढ रहा था, उसमें से वो एक नाइट सूट को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। तियांग ने जनकू को मैसेज कर दिया, वो वाला नाइट सूट तुमने देखा है क्या? वो मैंने ही रख दिया है, तुम उसको पहनकर सो जाना, तुम्हें अच्छा लगेगा, देखना नींद जल्दी से आ जाएगा और बहुत ही आरामदायक है। जनकू कहता है, घटिया। उसके बाद उसने उस नाइट सूट को जला दिया। तियांग कहता है, मुझे पता था वो कुछ ऐसा ही करने वाला है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा जैसा मैं कहता हूँ। जनकू अब बहुत ही चैन से सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं। उसने कुछ खाया भी नहीं था, उसको भूख नहीं था तियांग की वजह से। यहाँ पर तियांग मुस्कुराकर कहता है, मेरा लवर बॉय, तुम भूखे होंगे, मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ, लेकिन तुम इतने गुस्से वाला हो कि क्या करो, और ऊपर से तुम टॉप बिजनेसमैन हो तो मैं तुम्हें आसानी से कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारी मर्जी के अलावा मैं तुम्हें टच भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मेरे पास आओ और कहो, तियांग मुझसे प्यार करो और मेरे साथ थोड़ा सा रोमांटिक हो जाओ। मुझे सुनकर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन तुम हो कि इतने गुस्से में रहते हो, क्या बताओ? यहाँ पर जिहुब आकर तियांग से कहता है, तियांग तुम बहुत ही रंगीन मिजाज के हो, ये क्या कपड़े पहना है? तियांग कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं माफिया किंग हो तो क्या हुआ, मैं बहुत ही रोमांटिक हूँ। और किसने कहा कि माफिया किंग के पास हार्ट नहीं होते हैं?
मैं तो प्यार में डूब चुका हूँ उस टॉप बिजनेसमैन जियोन जनगुक, उसने मेरा नींद भी उड़ा लिया और मेरा चैन भी उड़ा लिया है। अब तो मुझे उसके बिना नींद भी नहीं आता है और ना ही चैन आता है। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जनगुक तैयार होने के बाद ऑफिस के लिए निकल रहा था। वो कार में बैठ कर जाने ही वाले थे, कार के टायर पंचर हुआ था। जनगुक कार पर बैठ जाते हैं लेकिन बाहर निकलना पड़ता है। ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ, मेरे कार के टायर पंचर कैसे हो गए? ड्राइवर ने तियांग को दिखा दिया। तियांग एक बेंच पर बैठा हुआ था। जनगुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। पता नहीं क्यों तुम जब भी परेशान हो जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। ऐसे में टॉप बिजनेसमैन को कभी लेट नहीं होना चाहिए। जनगुक कहता है, मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, चाहे कितना ही लेट क्यों ना हो जाए। तियांग कहता है, देखो यहाँ पर कोई टैक्सी नहीं मिलने वाला है क्योंकि तुम्हारे घर की तरफ तुम्हारे कार के अलावा कोई टैक्सी की आने की अलाव नहीं है ना। जनगुक कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारे होते हुए मैं कभी चैन से सांस भी नहीं ले सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आ जाते हो? तुम कहते हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या प्यार करते हो कि हमेशा मुझे पेशेंट करते रहते हो? अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझसे दूर रहा करो ताकि मैं खुश रह सकूँ। प्यार ये होते हैं कि दूसरे को खुश देकर खुद को भी खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो हर वक्त मुझे पेशेंट करते रहते हो। तियांग तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तियांग कहता है, मेरा प्रॉब्लम तुम हो, तुम किसी और के साथ रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जनगुक, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम हो कि मुझे जेलिस फील कराने के लिए तुम उस इयोन के साथ डेट करना शुरू कर दिया और उसके साथ शादी करने वाले हो। तुमने कैसे कह दिया, तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया है। जनगुक तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना पेन हुआ है। देखो अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। ऐसे भी आज रात को हमें डिनर डेट पर जाना है, तुम अगर ऑफिस पे जाने में लेट हो जाओगे तो तुम्हारा काम भी लेट हो जाएगा और तुम्हें शाम को मुझसे मिलने में भी लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जनगुक कहता है, क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम गलत सोच रहे हो, ये सपने में ही हो सकता है। तियांग कहता है, ठीक है देख लेंगे। जनगुक को ऑफिस जाने में लेट हो रहा था, ऑफिस से कॉल आ रहे थे, मीटिंग शुरू होने वाले हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ, जल्दी से बैठ जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। देखो तुम लेट हो जाओगे और तुम्हें लेट होना पसंद नहीं है ना। तियांग की बात सुनकर जनगुक कहता है, तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना ताकि मैं लेट हो जाऊँ और तुम्हारे कार में जाना पड़े मुझे। जनगुक की बात सुनकर तियांग कहता है, हाँ बिल्कुल। तो जनगुक तियांग की कार में जाकर बैठ जाते हैं। वो अपना सीट बेल्ट बांध ही रहा था कि तियांग उसके क्लोज आकर कहता है, रुक जाओ मैं बांध देता हूँ। जनगुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर सकता हूँ, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता है, क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये मेरा कार है और मैं खुद तुम्हें सीट बेल्ट बांधना चाहता हूँ। जनगुक कहता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाह रहा था, तुम एक नंबर के घटिए हो। तियांग कहता है, बस भी करो, अपने चाहने वालों को इतनी गालियाँ नहीं देना चाहिए, तुम्हें तो मुझसे प्यार से बात करना चाहिए और तुम हो कि इस तरह से बातें कर रहे हो। जनगुक कुछ नहीं कहता है, पूरे रास्ते वो खामोश था। तियांग जनगुक को ऑफिस छोड़ देता है और कहता है, रात को मिलेंगे। तियांग की बात सुनकर जनगुक गुस्से में ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही ऑफिस में आ गया था, जनगुक को पता चला कि यूनो कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं यूनो कहाँ चला गया। जनगुक समझ गया है इसके पीछे किसका हाथ है। उसने तियांग को कॉल किया। तियांग कहता है, क्या हुआ, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें ऑफिस छोड़ा था और मैं तुम्हें अभी याद आ गया, तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो ना। जनगुक, मुझे पता था तुम मुझे मिस करने वाले हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, कहो क्या हुआ। जनगुक कहता है, क्या तमाशा लगा कर रखा है, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमने यूनो को कहाँ रखा है, देखो उसको कुछ नहीं होना चाहिए, अगर यूनो को कुछ हुआ ना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तियांग कहता है, अब बस भी करो, तुम यूनो से प्यार नहीं करते हो, ऐसे दिखावा करना बंद करो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे जेलिस फील करवाने के लिए ऐसा करते हो। जनगुक, ऐसा करना बंद भी कर दो, क्योंकि मैं जेलिस नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं यूनो जैसे लड़के से जेलिस फील नहीं करता हूँ, अगर मैं उस जैसे लड़के से जेलिस फील करने लग जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, आखिर मैं वर्ल्ड हैंडसम बॉय हूँ तो मुझे किसी से जलने की क्या ज़रूरत है। और जनगुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे ही शादी करोगे, किसी और से नहीं, और यूनो तो दूर की बात है। जनगुक कहता है, तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तियांग, उसको छोड़ दो,
तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ, तियांग कहता है। डिनर पर आ जाओ, बात करते हैं इस बारे में। जनको कहता मैं नहीं आने वाला हूँ। तियांग कहता तुम ज़रूर आओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और फ़ोन रख देता है। तो जनकुक अब क्या करता, इवनो को सेव करने के लिए उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि जनकुक ने पूरे दिन इवनो को ढूंढने की कोशिश किया, कहीं नहीं मिले। पुलिस को इन्फॉर्म करना चाह रहा था, लेकिन जनकुक तियांग को अच्छी तरह से जानता है। अगर जनकुक ने ऐसा कुछ भी किया ना तो फिर तियांग इवनो के साथ बहुत ही बुरा करने वाला है, ये बात जनकुक अच्छी तरह से जानता है। तो फिर जनकुक डिनर पर आ जाते हैं। तियांग जनकुक का इंतज़ार कर रहा था। जनकुक को देखकर तियांग मुस्कुराते हुए कहता है खुशाम दी, मुझे पता था मेरी जान तुम यहाँ पर आने वाले हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आखिर में तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ ही गए, और डिनर डेट आज बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस डिनर डेट को हम बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं। जनकुक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं सिर्फ इवनो के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, वो कहाँ है मुझे बता दो, मैं उसको लेकर आ जाता हूँ, और देखो तुमने उसके साथ अगर ऐसा वैसा कुछ किया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझे पता है तब तक तुम यूनो के साथ कुछ भी नहीं करोगे जब तक मैं ऐसा कुछ ना कर दूँ जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाए, तो मैंने तुम्हें नहीं गुस्सा दिलाया है, तुमने डिनर डेट पर आने के लिए कहा मैंने आ गया, तो उसको छोड़ दो। तियांग कहता है इतना आसान है क्या, तुम्हें मेरे साथ डिनर डेट को एंजॉय करना होगा और मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना होगा। जनकुक कहता है क्या मतलब है। तियांग जनकुक के नज़दीक आ जाते हैं और कहते हैं पहले बैठ तो जाओ। जनकुक कहता है मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, पहले बताओ यूनो कहाँ है। तियांग कहता है बस भी करो, बहुत हो गया है, तुम यूनो से इतना भी प्यार नहीं कर सकते हो जितना मुझसे करते हो, वो तुम्हारा दोस्त है बचपन का मुझे पता है, लेकिन हम दोनों से खास नहीं है वो तुम्हारे लिए, चलो बैठो। जनकुक कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना नफरत करता हूँ। तियांग कहता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं माफिया जो बन गया हूँ और तुम्हें माफिया से नफरत है, लेकिन मैं माफिया किस लिए बना, तुमने हमेशा मुझे इग्नोर क्यों किया जनकुक। जनकुक तुम्हें पता है ना तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे कितना बुरा लगता है, और तुम हो कि मुझे जेलस फील करवाने के लिए ऐसा करते हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसे इंसानों से मैं जल जाऊंगा क्या, कभी नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से की वजह से मुझे माफिया बनना पड़ा। जनकुक कहता है ये तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने मुझे गलत समझकर माफिया बन गए, मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम खुद ही खुद से सोचने लग गए कि मैं तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए किसी और के करीब जाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, तब हम दोनों बहुत ही छोटे थे और हम दोनों सबके साथ खेलने के लिए बहुत ही बिजी हो जाते हैं, सबके साथ मिलकर रहना मुझे पसंद है, लेकिन तुम्हें सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, तुम हमेशा मुझे तुम्हारे साथ बांध कर रखना चाहते थे और मैं खुलकर ज़िंदगी जीना चाहता था, और इसीलिए तुम हमेशा गुस्से में रहते थे और कहाँ चले गए तुम, तुम पढ़ाई करना छोड़ दिया और माफिया बन गए, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना बड़ा लॉस कर दिया अपने लाइफ का, और तुम क्या से क्या बन गए, तुम चाहते तो बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन नहीं तुम्हें तो माफिया बनना था। तियांग कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या करता, तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है बचपन से, तुमने मेरी किसी भी बात को नहीं रखा था जनकुक, जबकि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया, और क्यों किया, तुमने मेरी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब मैं जो भी हूँ तुम्हारे वजह से हूँ, तुम्हें मुझे इसी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। जनकुक कहता है तियांग तुम मुझसे दूर रहा करो। तियांग जनकुक के कमर में हाथ डालते हुए अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और जनकुक से कहता है क्यों, मैं तुमसे दूर क्यों रहूं जबकि मुझे तुम्हारे क्लोज आना चाहिए और हम दोनों को साथ में रहना चाहिए, तुम ऐसे क्यों कहते हो। जनकुक कहता है क्या कर रहे हो, पागल हो गया हो क्या, छोड़ो मुझे। तियांग जनकुक की होठों पर किस कर लिया। जनकुक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग ने बहुत ही जोर से जनकुक की होठों पर दबा दिया और अपनी टीथ से उसकी होठों पर बाइट कर दिया। अब जनकुक भी मजबूर होकर तियांग से खुद को दूर करने की कोशिश छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जनकुक तियांग से बहुत प्यार करता है और वो उससे नाराज़ है। तियांग अब जनकुक को होटल के रूम में लेकर आ जाते हैं। जनकुक कहता है क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। तियांग कहता है मैं जैसा करता हूँ वैसे ही करने दो, देखो तुम्हें ऐसा ही करना होगा वरना मैं इवनो को जान से मार डालूँगा, और इस बार मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ,
और ना ही कोई मजाक कर रहा हो। जनको कहता है, क्या मतलब, तुम करना क्या चाहते हो? तियांग जनको की कोट को उतारने लगते हैं। जनको कहता है, तियांग तुम पागल हो गया हो क्या, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन तियांग जनको से कहता, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। और जनको की कपड़ों को उतार देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं, उसके बेड पर धकेलते हुए। जनको कहता है, तियांग देखो मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। तियांग कहता है, तुम मुझे नहीं रोकोगे, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे नहीं रोकोगे, समझ गए तुम? अगर तुमने मुझे आज रोक दिया ना, तो मैं सोचूंगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा और यूनो को तो मैं जान से मार डालूंगा। जनको कहता है, तुम मुझे डरा रहे हो। तियांग कहता है, तुम डर गए क्या? तुम डरने वालों में से नहीं हो और ना ही तुम्हें यूनो से प्यार है, तुम तो मुझसे प्यार करते हो और इसीलिए तुम आज रात को मेरे साथ रुकने वाले हो। तियांग अब जनको की पूरी बॉडी पर लाप बैठ के निशान छोड़ दिया था। रेड निशान से जनको की बॉडी भरे पड़े थे। तो जनको भी तियांग को पलट कर उसके ऊपर आ जाते हैं और तियांग के कपड़ों को खोलना शुरू कर देते हैं। तियांग को इस तरह से देखकर जनको कहता है, अब तुम इस तरह से बहुत अच्छे लग रहे हो। तियांग कहता है, क्या, तो फिर तुम खुद को रोक नहीं पाए ना, और तुम भी मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम भी। तो जनको तियांग के होठों पर किस कर लिया और उसके साथ भी वो ही सब कुछ करने लग गए जो तियांग ने जनको के साथ किया है। तियांग की व्हाइट बॉडी पर सिर्फ रेड लाप बाइट के निशान से भरा पड़ा था। अब तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ देर बाद बाद से आ रहे थे और एक दूसरे के साथ टॉप कर रहे थे। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, एक स्विच वन शॉट है। तो आप लोग जो टॉप थे या फिर टॉप जनको के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, वो लोग स्विच को सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो दोनों स्विच है रियल लाइफ में भी। तो चलो जो भी हो, यहाँ पर जनको का तियांग के बीच में सब कुछ हो गया था। दोनों एक दूसरे के प्यार को फाइनली एक्सेप्ट कर चुके थे। जैसे ही उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाने के बाद दोनों रिलैक्स कर रहे थे। तियांग कहता है, जनको आखिर तुम मुझसे नाराज़ थे ना इतने दिनों से, क्योंकि मैं माफिया बन गया और मैंने तुमसे कभी ये बात कहा ही नहीं। मुझे किस बात का प्रॉब्लम है? काश मैंने पहले तुम्हें सब कुछ खुलकर कह दिया होता तो आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। जनको कहता, हाँ मुझे अगर तुम पहले बोल देते कि तुम चाहते क्या हो तो काश आज ऐसा कुछ ना हुआ होता, तो हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होते और मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता, और तुम जो माफिया बन गए वो कभी नहीं बनते, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था। तियांग कहता है, हाँ वो तो बनना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो मुझे सुनकर अच्छा लगा, मैं इस बात पर भरोसा तो करता था लेकिन तुम्हारे मुझे सुनने के लिए मेरा कान तरस गया था। जनको तियांग से कहता है, यूनो कहाँ है? तियांग कहता है, क्या यूनो, इस टाइम पर तुम यूनो के बारे में पूछ रहे हो मुझसे? जनको तुम्हें हो क्या गए हैं? तियांग कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, तुम्हें यूनो के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जनको कहता है, देखो तियांग, यूनो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसके बारे में पूछूँ, तुमने क्या किया है उसके साथ? जनको की बात सुनकर तियांग कहता है, वो अपने घर पर है और मैंने उसको कुछ नहीं किया है। हाँ सिर्फ मैंने उसे ये कह दिया है कि वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट ना करे, अगर वो तुम्हें कॉल करेगा या फिर किसी के साथ भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसकी फैमिली के साथ मैं उसको ऊपर भेज दूँगा, बस इतना ही कहा था और कुछ नहीं। जनको कहता है, क्या इसका मतलब यूनो अपने घर पर है और मैं हूँ कि उसको हर तरफ ढूंढ रहा था, मैं कितना पागल हूँ? तियांग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसको ढूंढने की कोशिश ही नहीं किया क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं यूनो को कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें मेरे पास आना था और तुम्हें इस मौके का इंतज़ार था। जनको तुम मुझसे प्यार करते इस बात को एक्सेप्ट भी कर लो और अब यूनो के बारे में सोचना बंद करो। जनको कहता है, हाँ मुझे तुमसे प्यार है, आई रियली लव यू तियांग, लेकिन तुम माफिया हो और हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। मैं एक टॉप बिजनेसमैन हूँ और मैं अगर तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम सोच भी सकते हो कि क्या हो सकता है, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। तियांग कहता है, करियर, मेरे प्यार के अलावा तुम्हारे पास कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तुम्हारी करियर, क्या इतना इम्पोर्टेंट है मेरे अलावा? तो फिर तियांग कहता है, ठीक है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुम्हारे करियर हमारे बीच में आ जाते हैं और अगर तुमने मुझसे शादी कर लिया तो तुम्हारी करियर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा, तुम्हारे और तुम्हारी करियर के बीच में,
तुम तुम्हारी जॉब को लेकर खुश रहो, तुम्हारा बिजनेस और भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचे। मैं तुम्हें आज के बाद कभी डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। जनकुक, अब तो तुम खुश होना, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम टॉप बिजनेसमैन बनने के लिए कितना हार्ड वर्क किया है, तो तुमने आज कह दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे लिए ही काफ़ी है। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जनकुक, और तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा ताकि तुम्हारी याद ना आए, लेकिन हमेशा तुम मुझे याद रहोगी। अगर मैं भूलने की कोशिश भी करूँगा ना, तो भूल नहीं पाऊँगा। आखिर में तुम मेरे बचपन का प्यार हो। जनकुक तियांग से कहता है, क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो? तियांग कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, क्योंकि यहाँ पर रहूँगा तो तुम्हारा याद आएगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जनकुक, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और तुम्हें डिस्टर्ब करता रहूँगा, इससे तुम बहुत ही डिस्टर्ब हो जाओगी और तुम्हारी हार्डवर्क ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी इतनी साल की मेहनत को मैं पानी नहीं डाल सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तो तियांग जनकुक से कहता है, ठीक है, तुम अब जा सकते हो और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, उसके बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। जनकुक कहता है, हाँ ठीक है, ही सही रहेगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। जनकुक उठकर कपड़े पहनकर जाने लगते हैं। तियांग कहता है, गुड बाय। जनकुक दोबारा से आ जाते हैं और तियांग को हक कर लेता है और तियांग से कहता है, रियली लव यू। तियांग कहता है, लव यू टू, अपना ध्यान रखना। जनकुक वो जाने लगते हैं। तियांग कहता है, गुड लक। जनकुक कहता है, बाय। उसके बाद वो चले जाते हैं। तियांग अपने सामान को बांध लेता है और यहाँ से निकलने वाला था। जनकुक को देखकर तियांग शॉक हो जाते हैं। जनकुक दोबारा से आ गया था और तियांग की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, क्यों, मैंने तुमसे कहा तो था। जनकुक कहता है, तुमने सोचा भी कैसे, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, हम दोनों शादी करने वाले हैं। तियांग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम भूल गए हो कि तुम टॉप बिजनेसमैन हो और अगर तुमने मुझसे शादी कर लिया तो क्या हो सकता है? जनकुक कहता है, मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं है क्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं करने वाले हो? तियांग, तुम मुझसे कैसे प्यार करते हो कि शादी नहीं करना चाहते? तियांग कहते, किसने कहा? तुरंत तियांग ने अंगूठी बाहर निकाला और जनकुक को पहना दिया। डू यू मैरी मी? जनकुक कहते, अंगूठी पहनाने के बाद कौन पूछता है? तियांग कहता है, सॉरी, मुझे ये सब कुछ आता नहीं है। जनकुक कहता है, लेकिन प्यार तो करना आता है ना? तियांग कहता है, वो बहुत ज़्यादा करना आता है, क्या देखना चाहोगे? जनकुक कहता है, हाँ बिल्कुल। तियांग कहता है, लेकिन उससे पहले हमें शादी करना होगा। जनकुक कहता है, हाँ तो अभी कर ले। तियांग कहते हैं, क्या सच में? जनकुक कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों दोबारा से बेडरूम में आ जाते हैं और दोनों बेडरूम को बहुत ही गर्म कर देता है। आप लोग तो समझ ही सकते हो, दोनों ही टॉप है तो किसी से कोई हार थोड़ी मानने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया होगा, बहुत ही यूनिक है ना, पता नहीं कहाँ से आते हैं मेरे दिमाग में। तो गाइस, अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना। लव यू। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना गाइस। सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।